हे गाइस वेलकम हो गया आप लोगों का मेरे ब्लॉग में। और आज हम घर भी जाने वाले, पहले जा रहे हैं ऊपर मंदिर में, दिखाते हैं आप लोगों को मलेनाथ का मंदिर। और हम सब जा रहे हैं, सब तैयार हो गए, तो गाड़ी में जा रहा हूँ मैं। गाड़ी को पहले मंदिर की दिशा की ओर मोड़ते, फिर यह है अपनी गाड़ी, ये नीचे को है, पहले ऊपर की ओर मोड़ते फिर जाएंगे नीचे की ओर, क्योंकि घर भी जाना आज। और हम लंच करके जाएंगे घर, क्योंकि अभी पहले मंदिर जाते हैं, क्योंकि नहा धो के मंदिर निकल लें, फिर उसके बाद जाएंगे सीधे घर की ओर। मैंने कर दी गाड़ी स्टार्ट, अब गाड़ी को आगे जाके मोड़ के आते हैं और इधर थोड़ा आगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मोड़ने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। गाड़ी कर दी है इधर दोबारा से पार्क, क्योंकि अभी मंदिर के लिए कर दिया है। पहले गाड़ी लगी थी इधर पे, अब लगी उधर पे, और अब चलते हैं ऊपर टीका लगाने के लिए, फिर सीधे मंदिर जाएंगे और आज मलेनाथ का मंदिर के दर्शन कराएंगे आप लोगों को। और हम भी दर्शन करेंगे काफ़ी टाइम बाद, तो दिखाते हैं आप लोगों को। और दर्शन करने के लिए बने रहना पड़ेगा हमारे ब्लॉग पे। मैं लगा के आ गया हूँ टीका, और क्योंकि बिना टीका लगाए मंदिर नहीं जाते, तो इसलिए टीका लगा के आ गया हूँ। ये लोग भी पहुँच गए नीचे, वो देखो गाड़ी में बैठेंगे आप, और दादा पीछे है तो वो चंचल का, तो वो भी आएगा, तो फिर हम चल देंगे सीधे मंदिर की ओर। तस तस गुरु तस। हमने कर दी गाड़ी पार्क, और मंदिर का मेन गेट ये है, तो यहाँ से ऊपर सब चल दिए हैं, हम भी चलते हैं। जय हो मलेनाथ भैया। और यहाँ से डीडीआर का कुछ दृश्य ऐसा आ रहा है, पूरी डीडीआर दिख रही है, देखो ये। जैसे ही थोड़ा सा हम ऊपर चले थे तो वैसे ही दिखा हमको मलेनाथ बाबा का सेवक का मंदिर, और यहाँ पर दादा और पापा पूजा कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। जय हो भगवान। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अपना सफर जारी रखते हैं। ये है बहुत बड़ी शिला, देखो इतनी बड़ी पत्थर, ये देखो बहुत बड़ी शिला है, इतना बड़ा पत्थर है। और यहाँ पर बनाया शिव शंकर जी को, और ये देखो यहाँ से कितना प्यारा नज़ारा है डीडी आर्ट का। ये देखो डीडी आर्ट की मार्केट, ये पेड़ की वजह से नहीं दिख रही है, अभी ऊपर से दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलते हैं ऊपर की ओर, टाइम जाया ना करते हुए। ये देखो गाइज पूरा पहाड़ दिख रहा है और डीडी आर्ट दिख रहा है, पूरा एरिया कवर हो रहा है यहाँ से। जैसे हम ऊपर पहुँचते मंदिर का गेट मिल जाता है हमें, और ऊपर पहुँचते ही भैरव भगवान का और शनिदेव का मंदिर है, और इस साइड में कालिका माता का मंदिर है। और मंदिर के मेन गेट से डीडीआर पूरा दिखाई दे रहा है। हम लोग सब पहुँच गए मंदिर में, और ये देखो ऊपर चढ़े, इनके पीछे हूँ, तो थकान तो ज़्यादा लगी नहीं, हल्का फुल्का, क्योंकि यह चढ़ाई होती है, थोड़ा बहुत हाँफ ही जाता है इंसान, पर उतना ज़्यादा नहीं है आजकल, क्योंकि गाड़ी आ रही है ऊपर तक। डॉगी देखो कितने प्यारे प्यारे, ये देखो कितने बड़े डॉगी हैं, ये वाला सबसे बड़ा लग रहा है मुझे इनमें से। ये देखो गद्दी कुत्ता है, भूटिया नस्ल का। और ऊपर जा रहे हैं सब लोग, हम भी चलते हैं। धूप मस्त आ रही है, हवा भी चारों साइड से आ रही है, क्योंकि टॉप पे है ना ये। और मंदिर के दर्शन हो गए, देखो बिल्कुल टॉप पे, बेहतरीन बन गया बिल्कुल, एक नंबर। जय मलेनाथ, मलेनाथ बाबा की जय हो। ये देखो इस तरह का दुनिया पे है, और ये देखो चारों साइड का व्यू, ये देखो। तो ये है मलेनाथ बाबा का मंदिर, और आप लोगों को स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये देखो एक लड़का ये पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहा है, ये पत्थर उठता नहीं है, और जो इसको उठा देता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, ऐसा कहते हैं लोग। और ये देखो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, पर बहुत हैवी है ये पत्थर, ऐसा लगता है कि कुंटलों के हिसाब से भारी है, पर लग तो रहा है कि नहीं उठा पाएगा, ये नहीं उठा पा रहा, चल दिया है। और ये है मलेनाथ मंदिर के चारों ओर का व्यू आप लोगों को जो दिख रहा होगा, और सबसे टॉप से सारी पहाड़ियाँ छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं, आप लोगों को स्पष्ट तरीके से दिखाते हैं। अब नॉइज ना करते हुए आप लोग व्यू देखो यार।
गाइज मलेनाथ के मंदिर में हमारी पूजा संपन्न हो गई है। अब जा रहे हैं हम नीचे की ओर और नीचे कालिका के मंदिर में थोड़ा सा पूजा करेंगे। कालिका के मंदिर में पूजा करेंगे फिर हम निकल जाएंगे वहाँ के घर, फिर वहाँ से हम घर की ओर निकल जाएंगे। दिखाते हैं पूरा आज का दिनचर्या हमारा कैसा रहता है क्या रहता है। और अब भाई भी उठाने लगा है, देखो इसको बैलेंस से बनाना पड़ता है तब जाके उठता है ये, पर मुश्किल लग रहा है थोड़ा भूख, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट होता है इसका ये देखो। और मैं तो इसलिए नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ में पेन है, तो इसलिए कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ। और कुछ कुछ लोग उठा देते हैं। एक कहानी है यहाँ की, एक कोई लाटा टाइप का होगा जिसकी जवान थोड़ी तोतली होगी, उसने उठा के इसको काफ़ी नीचे फेंक दिया था, बोला मंदिर की परिक्रमा करके, और फिर इसको चार पांच जिनी जग के ऊपर लेके आए इसको, तो भाई भी नहीं उठा पाया, हो गया है। तो चलते हैं अब हम यहाँ से नीचे मंदिर से। फर्स्ट में हमने यहाँ पे से खाली प्रणाम करा था और थोड़ा दिया बाती करी थी, अब यहाँ पे हमने जो चढ़ावा लेके आए थे वो चढ़ा दिया है यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम नहीं चढ़ाना पड़ता है फर्स्ट में आते हुए, और जाने टाइम पे चढ़ाना पड़ता है, पहले ऊपर जाना पड़ता है। अब ले लिया है मलेनाथ के मंदिर से हमने विदाई और अब चलते हैं नीचे की ओर। वो लोग पहुँच गए आगे, मैं रह गया पीछे, तो मैं भी चलता हूँ फटाफट क्योंकि बहुत लेट हो गया, और नीचे पहुँच के दिखाते हैं आप लोगों को। सट चलते हैं, एक तो सीढ़ियाँ बहुत ढाल वाली है। हम पहुँच गए अब घर, गाड़ी कर दी हमने पार्क और चलते हैं अंदर, थोड़ा पानी वानी पीते हैं फिर निकलते हैं मार्केट की ओर, क्योंकि गाड़ी के बूस्ट थोड़ा ख़राब हो रहे हैं, उनको रिपेयर करना है, तो दिखाएंगे आप लोगों को अभी बूस्ट किसे कहते हैं करके। और ये है हमारे भाई जी का घर, बुआ का घर। हमने ले लिए विदाई डीडी आर्ट से भी और अब जा रहे हैं नीचे गाड़ी के पास, यहाँ से निकलते हैं खटीमा की ओर, और पीछे ताई जी और पापा लोग आ रहे हैं, आगे पुष्कर लोग चले गए हैं, ये देखो आगे चले गए, तो हम भी चलते हैं। और काफ़ी मस्त रहा यहाँ पहाड़ में, काफ़ी मज़े किए और काफ़ी अच्छा मौसम है, पानी ठंडा, हवा ठंडी, मस्त मौसम है जी, यहाँ रहने का अलग ही मज़ा है। तो अब चलते हैं गाड़ी में, तो सब लोग गाड़ी में पैक हो गए, अभी ड्राइव करेंगे हमारे पुष्कर भाई और मैं भी पैक हो जाता हूँ, अब मैं भी पैक हो गया हूँ। बाय बाय बाय, तो चलते हैं बाय। तो गाइज अब कर रहा हूँ मैं ड्राइव, क्योंकि पुष्कर भाई ने DDR तक ही ड्राइव किया था, और अभी हम पहुँचे चरमा में, और चरमा में देखो कितना साफ़ सुथरा है, क्योंकि यहाँ आर्मी वालों का एरिया है, आर्मी वालों का एरिया कहीं भी हो बहुत साफ़ सुथरा रहता है, देखो कितना मस्त है, और ऊपर से चीड़ के पेड़ कितने लंबे लंबे मस्त मस्त हैं, और एरिया जो है ना साफ़ सुथरा हो तो हर जगह का अच्छा लगता है, पर यहाँ आर्मी का एरिया मैंने देखा है ना वो, ये पिथौरगढ़ में भी देखा था और रानीखेत में भी और अल्मोड़ा साइड में भी काफ़ी जगह देखा मैंने, देहरादून में भी, सब जगह आर्मी वालों का एरिया साफ़ सुथरा ही था, और यहाँ भी साफ़ सुथरा है देखो। और यहीं पे थोड़ा रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, तो यहाँ पे गाड़ियाँ भी रुकी हैं, और ये ब्रिज पार करते ही आर्मी वालों का एरिया ख़त्म हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में आर्मी वालों का कैंटीन है इधर, और हम इसको पार करते हैं। यहाँ पे जानवर भी देखो कितने अच्छे से सोए हुए हैं। हम पहुँच गए गुड़मा, और गुड़मा में हाथ मुँह धो दिया मैंने, काफ़ी ठंडा पानी था, मस्त सा अच्छा लगा थोड़ा सा, क्योंकि यार काफ़ी देर से गाड़ी चला था, थोड़ी वो होती आलस टाइप का था, और बढ़िया हो गया, अच्छी फीलिंग आ रही है। मंदिर ये है, गाड़ी हमारी ये है, तो चलते हैं आप आगे की ओर, अपना सफ़र जारी करते हैं। जय गुड़ना माता। हे गाइस अभी रुके हैं चंपावत में, और यहाँ मिठाई विठाई लेने के लिए कुछ बहुत फ्रूट ढूंढ रहे थे, मिले नहीं, आड़ू और पूनम भी कुछ खास नहीं थे, हैं मेरी क्या गलती, फिर यार यही बोले चंपावत मिलेगा करके, मैं तो पुष्पा अभी रोक ही रहे थे, तो वहाँ लोहागाड़ में मिल रहे थे, लोहागाड़ में रोका नहीं हम लोगों ने, और यहाँ गए मिठाई लेने। ये देखो पुष्कर भाई आगे खड़े, पापा आ रहे धुआं उड़ाते, और वो भाभी है। हम पहुँच गए हैं खटीमा वाले घर पे और काफ़ी थक गए यार, बहुत बुरी हालत हो गई है, तो अभी सीधे घर पहुँचते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए सीधे निकलते हैं, टाइम वैसे ही नहीं है हमारे पास, लेट हो गए ना क्योंकि अंधेरा होने वाला है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।